दोस्तों आज मैं आप लोग कुछ दिखाने जा रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं ट्रैक्टर वाले टाली पर जो ईटा होता है लाद कर गए हैं, पूरा पनिया हवा पुल के बीचों बीच में किस तरह गिरा हुआ है। मगर अधिकांश लोग आ रहे हैं बाइक से, चरचक्का गाड़ी से और भी तमाम गाड़ी से, ऑटो से आ रहे हैं, मगर हटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से हजारों और लाखों आबादी में दुर्घटना होती है और मृत्यु हो जाती है अधिकांश लोगों को। आप लोग देख सकते हैं कितना अधिक यहाँ से वहाँ तक करीब 8-10 ईंटा पूरा गिरा हुआ है, मगर तमाम लोग आ रहे हैं, इसी रास्ते से आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर कोई भी एक जो ईंटा है उठाने का प्रयास नहीं कर रहा है। हमें बदलना होगा, क्योंकि अभी देखिए अभी अचानक कोई एक्सीडेंट होगा तो हम ही लोग दोषी के भागीदारी होंगे। देख रहे हैं कितना रेस से गाड़ी आ रहा है मगर कोई नहीं उठा रहा, आखिर क्यों? ये सब देखते हुए क्यों नहीं उठाते हैं सब? आप चले जाते हैं और दूसरे लोगों को मौत आती है और बुला कर लेकर चले जाती है। ये सब चीज़ें हमें खुद बदलना होगा और ये अपने हाथों से उठा उठा कर साइड में रख कर हमें बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब तक हम लोग बदलेंगे नहीं तब तक रास्ता बदलेगा नहीं। और आप देख सकते हैं पूरा ईंटा बीचों बीच में पड़ा हुआ है और इसे हम उठा कर साइड में रखना है। आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ें सब हम लोग को बताना होगा, क्योंकि एक्सीडेंट का कारण यही बनता है, बीचों बीच सड़क में जब रहता है लोग स्पीड में रहते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। देख सकते हैं हम सब साइड में उठा उठा कर रख रहे हैं, पूरे लोग इधर से आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ी आ रही है, गाड़ी इतना बड़ा बड़ा गिट्टी अगर इस पर चढ़ेगा, मोटरसाइकिल या चरचक्का गाड़ी का चक्का चढ़ेगा तो इस पर दुर्घटना ही होगा, एक्सीडेंट ही होगा। ये सब चीज़ें हम लोग को बदलना होगा और मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं बाइक से जा रहा था, मेरा बाइक देख सक रहे हैं आप लोग, मैं सोचा कि अब इसको उठा कर रखना चाहिए क्योंकि मानवता के नाते और हमें ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, क्योंकि लोग एकदम आलसी हो गए इस समय। अब मौत कभी पूछ कर नहीं आती है किसको आएगी मौत किसको नहीं आएगी, और ये सब चीज़ें हमें अपने आप के अंदर बदलना होगा। देखिए मैं वहाँ पर भी कम से कम 8-10 गिरा था ईंटा, वहाँ भी मैं हटा कर आ रहा हूँ, और फिर से यहाँ भी कम से कम 7-8 ईंटा गिरा था, ये भी सर हटा के साइड में मैं उधर रख दिया हूँ। ये मेरा छोटा सा बदलाव है, मैं चाहूँगा कि कुछ इससे लोग प्रेरित होकर हटाने का प्रयास करें, जो रोड में गड्ढा हो जाता है या मतलब गड्ढा हो जाता है तो उसको भरने का प्रयास किया जाए, हम लोग मिलकर भरेंगे, और कोई गिट्टी या बड़ा पत्थर गिरा है उसको हम लोग हटाने का प्रयास करें। ये हमारा छोटा सा प्रयास है, आप लोग कमेंट करके बताइए मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा।